हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में जीपी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा हमने एपी में पढ़ा था कि एपी में क्या था, सेकंड कोई भी एक सीक्वेंस को हम एपी कब बोलते थे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड। तो अगर डिफरेंस सेम रहता था तो हम बोलते थे कि ये एपी है। जीपी में क्या होता है कि जैसे आप एक ऐसे समझो, ये 1 है, ये 2 है, ये 4, 8, 16। तो इसमें क्या हो रहा है, आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो 2/1, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करो 4/2, नेक्स्ट टर्म को उससे प्रीवियस टर्म से डिवाइड करो, कोई सी भी नेक्स्ट को उससे जस्ट प्रीवियस टर्म से 8/4, 16/8। तो अगर ये रेशियो सेम रहता है, एपी में क्या था, डिफरेंस सेम था, यहां पर रेशियो सेम रहता है। तो ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें रेशियो सेम रहता है उसको हम जीपी बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, इन ए सीक्वेंस इफ ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट नॉन जीरो टर्म, मतलब पहली टर्म नॉन जीरो होनी चाहिए, बेयर्स द सेम कॉन्स्टेंट रेशियो विद इट्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग टर्म, the series is called a GP and that constant ratio is called the common ratio। तो यहां पर आप देख सकते हो सब 2 के बराबर आ रहा है, तो इस GP, ये GP है और इसका common ratio 2 है। और एक example ले लेते हैं, 3, 6, 12, 24। अब इसमें देख लो, आप 3/6 करते हो या 6/12 करते हो या 12/24, तो ये सब इक्वल रहता है। या ऐसा समझ लो कि सेकेंड टर्म को आपने फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, थर्ड टर्म को आपने सेकेंड टर्म से डिवाइड किया, फोर्थ टर्म को आपने थर्ड टर्म से डिवाइड किया, तो ये सभी वैल्यू जो आ रही है ये इक्वल आ रही है, ये सभी 2 के बराबर है। तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकेंड इक्वल टू फोर्थ अपॉन थर्ड, ये जो रेशियो है ये हमेशा इक्वल रहता है। तो अगर किसी भी सीरीज के या किसी भी प्रोग्रेशन के टर्म्स में ये पैटर्न मेंटेन हो रहा है तो उसे हम जीपी बोलते हैं। और वो जो रेशियो की वैल्यू रहती है जो कि कॉमन रहता है हमेशा, दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। तो ये जो जीपी है, इस जीपी का कॉमन रेशियो 2 है और इस जीपी का भी कॉमन रेशियो 2 था। अब हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड अपीयरेंस क्या होता है जीपी का, देखते हैं। तो जीपी का स्टैंडर्ड अपीयरेंस क्या रहता है, स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ जीपी एज, देखो फर्स्ट जो टर्म है वो ए मान ली हमने, और फर्स्ट टर्म हमेशा नॉन जीरो रहती है जीपी में। ए अगर आर इसका कॉमन रेशियो है तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। देखो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो आर आएगा, थर्ड को सेकेंड से डिवाइड करो तो भी आर आएगा, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करो तो भी आर आएगा। एपी में क्या था कि किसी भी टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते हो तो उससे नेक्स्ट टर्म मिल जाती है, किसी भी टर्म में से कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करते हो तो उससे पिछले वाली टर्म मिल जाती है। इसी तरीके से जीपी में अगर आप किसी भी टर्म में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हो तो उससे नेक्स्ट टर्म मिल जाती है, और किसी भी टर्म को कॉमन रेशियो से डिवाइड करते हो तो उससे पिछले वाली टर्म मिल जाती है, ठीक है। तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। अब एक पैटर्न देखो, यहां पर फर्स्ट टर्म में ए आर की पावर 0 है, सेकेंड टर्म में ए आर की पावर 1 है, थर्ड टर्म ए आर की पावर 2, फोर्थ टर्म ए आर टू द पावर 3। तो जो इसका एंथ टर्म होता है वो ए आर टू द पावर एन माइनस 1। तो जीपी का जो जनरल टर्म हुआ, जनरल टर्म को हम ए एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ए एन या टी एन जो भी आप लिखना चाहो, तो वो जो है ए आर टू द पावर एन माइनस 1। और एपी का जनरल टर्म क्या था, एपी का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
मैं याद दिला रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि एपी में ये था, जीपी में ये है, और ए जो है यहां पर वो जीरो नहीं होता, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब अगर हम बात करें सम ऑफ एन टर्म्स की, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स, तो लेट एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ये nth टर्म। तो सम ऑफ एन टर्म्स हमें फाइंड करना, दोनों साइड में r से मल्टीप्लाई करो, r इंटू एस एन इक्वल टू, जब आप r से मल्टीप्लाई इस a में करेंगे तो वो ए आर यहां लिखने के लिए इसके नीचे लिख लो, तो यहां आ जाएगा ए आर, फिर इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर प्लस, इससे पहले वाले जो टर्म थी ए आर टू द पावर n माइनस टू थी, उसमें r से मल्टीप्लाई किया तो वो ए आर की पावर n माइनस वन बन जाएगा, और प्लस जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर टू द पावर एन बनेगा, सब्ट्रैक्ट करो। जब आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस, यहां माइनस आ जाएगा, माइनस ये माइनस माइनस माइनस, तो ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अगर आपके मन में चलोगे ऐसे किसका भी क्यों लिखा, तो वो इसलिए लिखा ताकि जो जिसके नीचे आ रहा सामने दिख जाए कट रहा है, अगर आप खिसका के नहीं भी लिखते तो ऐसे ऐसे कट जाते तिरछे, कोई दिक्कत नहीं, तब भी कैंसिल तो ये होने ही चाहिए। तो 1 माइनस आर इंटू एस एन इज इक्वल टू, यहां पर केवल राइट साइड में एक तो a बचा, बाकी भी साइड टर्म कैंसिल हो गई, a माइनस ए आर टू द पावर n, तो एस एन इक्वल टू a कॉमन ले लिया, 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये जो है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होगा। ठीक है, देखिए सम ऑफ एन टर्म्स हमने समझ लिया जीपी का क्या होता है और nth टर्म क्या होता है वो समझ लिया। इफ जीपी हैज ओनली एन टर्म्स देन उसका जो लास्ट टर्म होगा वही nth टर्म होता है, जो बात एपी में थी, तो लास्ट टर्म को हम l इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस वन, वेयर l इज द लास्ट टर्म ऑफ जी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, सेकंड एस एन का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा अभी अभी जो प्रूफ किया था वो ए वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर था। अब इसको समझते हैं, इसे आप ऐसा लिख सकते हो ए माइनस ए आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर लिख सकते हैं, इसे आप a माइनस ए आर टू द पावर n माइनस वन इंटू आर की पावर वन अपॉन r ऐसा भी लिख सकते हो, वन माइनस आर। ये जो ए आर की पावर n माइनस वन है यही एक्चुअली nth टर्म है या लास्ट टर्म, तो a माइनस एल आर अपॉन वन माइनस आर, ये एस एन हो गया। तो लास्ट टर्म की फॉर्म में सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। दूसरी बात, इफ आर इज लेस देन वन तो एस एन इक्वल टू हम लोग ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर अप्लाई करते हैं, इफ आर इज ग्रेटर देन वन तो एस एन इक्वल टू इसमें से न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से माइनस वन कॉमन ले लो तो ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, हालांकि इन दोनों फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं, ठीक है दोनों एक ही है, लेकिन बस थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं ऐसा कर लेते हैं, बाकी और कोई अंतर नहीं। फिफ्थ, इफ आर इज इक्वल टू वन तो आर इक्वल टू वन के केस में एस एन क्या हो जाएगा, जो जीपी थी उसमें आर वन हो गया, इसका मतलब हर एक टर्म ए हो गई, ए ए ए ए, तो ए प्लस ए प्लस ए एन टाइम्स, तो एन ए सम हो जाएगा, ये एस एन हो जाएगा। ठीक है,
सिक्स्थ पॉइंट, इफ मोड आर इज लेस देन वन, दैट इज मोड आर लेस देन वन का मतलब क्या है, माइनस आर सॉरी माइनस वन लेस देन आर लेस देन वन। अगर आर की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में, तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई क्वांटिटी वन से छोटी है, जिसका मैग्नीट्यूड वन से छोटा है, तो आप उसकी पावर जितनी बढ़ाते जाओगे उतनी ही वैल्यू वो कम होती चली जाएगी। जैसे वन बाई टू है ना, वन बाई टू की पावर वन इज वन बाई टू, वन बाई टू की पावर टू करेंगे तो वन बाई फोर छोटी होगी, वन बाई टू की पावर थ्री करेंगे तो वन बाई एट और छोटी होगी, वन बाई टू की पावर फोर वन बाई सिक्सटीन होता है और छोटा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड वन से कम है, तो उसकी पावर आप जितनी बढ़ाते जाते हो उतनी ही वैल्यू, जितनी पावर मतलब पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव इंटीरियर पावर बढ़ाते जाते हो तो उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाती है। तो इफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज लेस देन वन, देन आर की पावर एन विल टेंड्स टू जीरो व्हेन एन टेंड्स टू इंफिनिटी, एन टेंड्स टू इंफिनिटी, देयरफॉर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जी पी अगर हम फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, एस इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी, और आर की जो वैल्यू है वो माइनस वन से वन के बीच में है। तो जो फॉर्मूला था अपना ये एस एन इक्वल टू ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, तो ये जो आर की पावर एन है ये जीरो हो जाएगा, एन टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स होगी इनफाइनाइट होगी, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होगी तो आर की पावर एन जो है वो जीरो को टेंड करेगा, तो ये आ जाएगा ए अपॉन, क्योंकि न्यूमरेटर में तो खाली ए बचेगा, ए अपॉन वन माइनस आर, ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला केवल और केवल तभी एप्लीकेबल है जब आर की वैल्यू यानी कि कॉमन रेशियो की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में, ठीक है। तो ये बात अब आगे से अपने को रटी हुई होनी चाहिए। चलिए एग्जाम्पल वन लेते हैं, इन ए जीपी इफ टी थ्री इक्वल टू टू एंड टी सिक्स इक्वल टू वन बाई फोर देन फाइंड टी टेन, मतलब एक जीपी में थर्ड टर्म जो है वो टू है और सिक्स टर्म माइनस वन बाई फोर है, तो टेंथ टर्म क्या होगी, ये है क्वेश्चन। देखो जीपी का एंथ टर्म क्या होता है, टी एन ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ये जीपी का एंथ टर्म होता है, where a is the first term and r is the common ratio of the gp। अब आपको given क्या है, टी थ्री इक्वल टू टू, तो टी थ्री मतलब आपने n की जगह थ्री डाल दिया तो क्या मिला, ए आर स्क्वायर इक्वल टू टू, ये फर्स्ट इक्वेशन। टी सिक्स इक्वल टू माइनस वन बाई फोर, इसका मतलब क्या हो भाई, आप n की जगह सिक्स ले लो तो ए आर टू द पावर फाइव इक्वल टू माइनस वन बाई फोर, इसे आप सेकेंड इक्वेशन मान लो। जैसे पहले आप क्या करते थे, जो ए पी में था सब्ट्रैक्ट करते थे ना दो इक्वेशन को, यहां पर डिवाइड करना पड़ता है क्योंकि आपको एक को कैंसिल करना है एक को बचाना है ना, तो सेकेंड इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो ए आर टू द पावर फाइव अपॉन ए आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एट। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो आर क्यूब बचा खाली, आर क्यूब, और ये जो माइनस वन बाई एट है इसे माइनस वन बाई टू की पावर थ्री आप ऐसा लिख सकते हो, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, आर इक्वल टू माइनस वन बाई टू, यानी कि आपको कॉमन रेशियो मिल गया। अब ये r इक्वल टू माइनस वन बाई टू आप इक्वेशन वन में पुट करो, पुट इन वन, पुट इन वन, तो a इंटू माइनस वन बाई टू का स्क्वायर, तो ये r की वैल्यू माइनस वन बाई टू है इक्वल टू टू, तो ये वन बाई फोर हो जाएगा, फोर की मल्टीप्लाई कर हो जाएगी, तो a की जो वैल्यू है a इक्वल टू एट आ गया,
अब पूछा गया है टी टेन। नाउ टी टेन क्या होगा? टी टेन विल बी ए आर टू द पावर 9, क्योंकि टी एन क्या होता है ए आर टू द पावर एन माइनस 1। तो ए की वैल्यू 8 है और आर जो आया था वो माइनस 1/2 टू द पावर 9, तो ये 2 की पावर 3 है, तो कुल मिला के माइनस 1 बाहर निकल जाएगा। देखो माइनस 1 की पावर 9 तो माइनस 12 आ गया, 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो और ये 1/2 की पावर 9, तो कुल मिला के माइनस 1/2 की पावर 6 बचा, यानी कि -1/64। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। एग्जाम्पल 2, एक जीपी दिया है 4, 12, 36, 108, फाइंड A5, AN, S10, SN। A5 मतलब फिफ्थ टर्म, AN मतलब nth टर्म, S10 मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स, और SN मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये फाइंड करना है। देखो यहां पर आप देख सकते हो A की जो वैल्यू है वो 4 है। अब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करोगे तो भी 3 आएगा, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करोगे तो भी 3 आएगा। तो कॉमन रेशियो जो है इसका वो कितना हो गया, 3, कॉमन रेशियो 3 हो गया। अब आप याद करो ए एन क्या होता था, ए एन, ए एन होता है ए आर की पावर एन माइनस 1, बस वैल्यूज पुट करनी है आपको। तो ए एन इज इक्वल टू ए कितना है 4, आर कितना है 3, तो 3 की पावर एन माइनस 1, तो 4 इंटू 3 की पावर एन माइनस 1, ये आपका ए एन हो। दूसरा पूछा है ए 5, तो पुट एन इक्वल टू 5, एन की जगह 5 पुट कर दो, तो ए 5 क्या आ गया, ए 5 4 इंटू 3 की पावर 4, तो 4 इंटू 81, तो 324, ये ए 5 आ गया। उम्मीद समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एस एन की, तो एस एन इक्वल टू आर, यहां पर 3 है मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो आप ये फॉर्मूला सीधा अप्लाई कर सकते हो, यूजफुल है बस ये, ऐसा नहीं है दोनों फॉर्मूले हैं तो वो एक ही, आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ए ए जो है वो 4 है, 4 इंटू 3 टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये 3 माइनस 1 2 हो गया, इस 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 टू द पावर एन माइनस 1, ये एस एन आ गया भाई, एस एन आ गया। और क्या पूछा है, एस 10, तो पुट एन इक्वल टू 10, एन इक्वल टू 10 पुट कर दो, तो एस 10 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 टू द पावर 10 माइनस 1, बस ये आंसर हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 3, इन ए जीपी इफ पीएथ टर्म इज एक्स, क्यूएथ टर्म इज वाई एंड आरएथ टर्म इज जेड, then prove that x to the power q minus r, y to the power r minus p, z to the power p minus q equal to 1। तो इस बार rth टर्म हमें गिवन है, इसलिए जो स्मॉल r है वो कॉमन रेशियो नहीं मानेंगे हम, है ना। तो हमने मान लिया कि लेट a बी द कैपिटल a बी द फर्स्ट टर्म, कैपिटल a बी द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल आर बी द कॉमन रेशियो। ठीक है, ये हमने कॉमन रेशियो मान लिया। तो टी पी इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, ए आर टू द पावर पी माइनस 1 इक्वल टू एक्स, ये फर्स्ट हो गया। टी क्यू इक्वल टू वाई, तो ए आर टू द पावर क्यू माइनस 1 इक्वल टू वाई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। टी आर इक्वल टू जेड, इट मीन्स ए आर टू द पावर आर माइनस 1 इक्वल टू जेड, ये थर्ड इक्वेशन।
अब हमें जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड x की पावर q माइनस आर y टू द पावर r माइनस पी इंटू जेड की पावर p माइनस क्यू। x की वैल्यू ए आर की पावर p माइनस वन है, तो वैल्यू रख दो ए आर टू द पावर p माइनस वन की पावर q माइनस आर एज इट इज। यहां हो जाएगा ए आर की पावर q माइनस वन टू द पावर r माइनस पी, और यहां हो जाएगा ए आर टू द पावर r माइनस वन टू द पावर p माइनस क्यू। अब इसमें देखो यहां पर a की पावर q माइनस आर है, यहां a की पावर r माइनस पी और a की पावर p माइनस क्यू, तो जो a है जिसका बेस a है वो सारी पावर ऐड हो जाएंगी आपस में, तो a की पावर हो गया q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू इंटू आर की पावर। देखो r की पावर यहां से है p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, पी माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस यहां से क्या हो जाएगा q माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ये सब टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई, तो a की पावर जीरो, और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये भी सब कट जाएंगे आपस में, तो यहां से r की पावर जीरो आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू वन। ये हमें प्रूफ करना था, क्लियर है। एग्जाम्पल फोर, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी देन शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, तो जब भी ऐसे कुछ एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे सॉल्व करना, देखो ए बी सी डी जीपी में है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड अपॉन सेकेंड, यानी कि बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी, ऐसे होगा, और इसी को हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं, तो इक्वल टू आर मान लिया आर। तो यहां से b इक्वल टू क्या आ गया ए आर, सी इक्वल टू बी आर एंड d इक्वल टू सी आर। तो देखो b इक्वल टू ए आर है यहां पर रखेंगे तो ए आर स्क्वायर ऐसा बन जाएगा, और c की वैल्यू ए आर स्क्वायर आप यहां रखोगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी ए आर क्यू। तो कुल मिला के a की तो वैल्यू a की टर्म में a है, बी सी डी भी हमने ए और आर के टर्म में फाइंड कर लिए। ओके, अब जो हमें प्रूफ करना है उसके हिसाब से हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू, देखो भाई ध्यान से ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रखेंगे, प्लस ये जो बी स्क्वायर है बी की वैल्यू ए आर है तो बी स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी जो है वो ए आर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर की पावर फोर बन जाएगा, तो ए स्क्वायर आर की पावर फोर बी स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर आर टू द पावर फोर प्लस डी स्क्वायर डी की वैल्यू जो है वो ए आर क्यू है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर टू द पावर सिक्स ऐसा बन गया। इसमें से आप देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है और इसमें ए आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर यहां से कॉमन लिया और यहां से ए आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहां पर वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर फोर बचा, और यहां भी ए आर स्क्वायर कॉमन लिया था तो वन प्लस ये ए स्क्वायर, सॉरी यहां पर क्योंकि बी स्क्वायर किया था हमने तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लिया हमने, तो यहां पर वन बचा प्लस आर स्क्वायर बचा, यहां भी ए स्क्वायर प्लस आर टू द पावर फोर ऐसा हो गया। तो कुल मिला के ए टू द पावर फोर आर स्क्वायर ऐसा हो रखा है, और ये हो गया वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर फोर का स्क्वायर।
अब इसे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब अंदर जाएगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा अंदर, तो ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर इंटू आर स्क्वायर जो पहले से था प्लस ए स्क्वायर आर इंटू आर की पावर फोर का स्क्वायर। देखो ये जो ए स्क्वायर आर है इसे आप ए इंटू ए आर लिख सकते हो, प्लस इसे आप ए आर इंटू ए आर स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस इसे आप ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब लिख सकते हो का स्क्वायर जो तुम। देखो इसको ध्यान से, ये क्या बना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का स्क्वायर, यही राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल सिक्स, फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। तो दो सीरीज आपको दी गई है, एक ये और एक ये। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये जीपी है, इस जीपी में फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू थ्री और जब आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हो तो आर इक्वल टू वन बाई टू आर। मैंने आपको बताया था कि भाई इनफाइनाइट टर्म्स का सम जो होता है जीपी का वो क्या होता है, एस इक्वल टू या एस इनफिनिटी भी कहते हैं कई बार, ए अपॉन वन माइनस आर, जबकि आर की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होनी चाहिए। ये फॉर्मूला केवल तभी एप्लीकेबल होता है, तो चूंकि यहां पर आर वन बाई टू है इसका मतलब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है और ये फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, एस इनफिनिटी इन जीपी ए अपॉन वन माइनस आर। तो वैल्यू रखनी है बस, ए की वैल्यू क्या है, थ्री अपॉन वन माइनस वन बाई टू, तो ये वन बाई टू बचा टू ऊपर चला जाएगा तो सिक्स आ गया, एस इनफिनिटी वैल्यू यहां पर सिक्स आ गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड में देखो, सेकेंड मान लो कि ये एस है वैल्यू नाइन की पावर, अब देखो यहां पर वन बाई थ्री प्लस वन बाई नाइन प्लस वन बाई ट्वेंटी सेवन प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो नाइन की पावर में है ये आप देख सकते हो ये एक जीपी है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म वन बाई थ्री है और कॉमन रेशियो भी वन बाई थ्री है, तो नाइन की पावर में फॉर्मूला लगाएंगे ए अपॉन वन माइनस आर का, तो वन बाई थ्री अपॉन वन माइनस वन बाई थ्री, ये नाइन की पावर में लगा है, नाइन की पावर में ए अपॉन वन माइनस आर अप्लाई किया, तो नाइन टू द पावर वन बाई थ्री अपॉन टू बाई थ्री, सो नाइन टू द पावर वन बाई टू यानी कि रूट नाइन मतलब थ्री। एस इक्वल टू थ्री आ गया, क्लियर है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ एक्स इक्वल टू वन प्लस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस अप टू इंफिनिटी, यानी कि ये एक इनफाइनाइट जीपी है और y b में एक इनफाइनाइट जीपी है, a और b का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से कम है, तो हमें प्रूफ करना है कि 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू इनफिनिटी जो सम है वो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस वन आएगा। देखो x की जो वैल्यू है x, अभी देख सकते हो कि ये एक इनफाइनाइट जीपी है, इसका फर्स्ट टर्म 1 है और इसका कॉमन रेशियो a है, जो कॉमन रेशियो है उसका मैग्नीट्यूड चूंकि 1 से कम है इसलिए यहां पर आप a अपॉन 1 माइनस आर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, तो 1 अपॉन 1 माइनस a, ये x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस b। अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो 1 माइनस a की जो वैल्यू है वो 1 बाई x आ जाएगी और 1 माइनस बी की वैल्यू 1 अपॉन वाई आ जाएगी, तो a इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x माइनस 1 अपॉन एक्स और b की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन वाई यानी कि 1 माइनस वाई माइनस 1 अपॉन वाई, ये b की वैल्यू होगी और ये a, जरूरत पड़ने पर हम इसको यूज करेंगे, जरूरत एक्चुअली हम इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ये जो सम है ये एक्स वाई के टर्म में दिया गया है। अब जो हमें प्रूफ करना है वो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी,
ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन है इसको आप देख सकते हो कि ये एक जीपी है, इनफाइनाइट जीपी। इसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो ए बी है, ए इंटू बी। तो यहां भी आप 1 अपॉन 1 माइनस ए बी इसको ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि ए अपॉन 1 माइनस आर लगाया आपने। अब आपके मन में क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि ए इंटू बी का मैग्नीट्यूड 1 से कम है कि नहीं, तो बिल्कुल है, क्योंकि ए बी मैग्नीट्यूड 1 से कम है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 से कम है, तो उनके प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड भी 1 से कम ही होगा। देखो मोड ए बी जो होता है वो मोड ए इंटू मोड बी होता है, ये भी लेस देन 1, ये भी लेस देन 1, तो दोनों का प्रोडक्ट भी लेस देन 1 होगा, इसलिए हम यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब जो आंसर आया आपको वो ए बी के टर्म में आ गया, लेकिन आपको लाना था एक्स वाई के टर्म में, इसी वजह से हमने ए और बी की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट की, बस ये वैल्यू पुट कर दो। तो 1 अपॉन 1 माइनस ए की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और बी की वैल्यू क्या है, वाई माइनस 1 अपॉन वाई। एलसीएम ले लिया एक्स वाई, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स वाई माइनस, और ये जो बचा एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 मल्टीप्लाई कर लो इनकी, तो एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1। इस एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1, ये हमें प्रूफ करना था। एक और बड़ा ब्यूटीफुल लेकिन छोटा सा एग्जांपल है, देखिए इसको समझते हैं। लेट p इक्वल टू पाई n इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी 10 टू द पावर 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, देन फाइंड log p टू द बेस 0.01। इस कैपिटल पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, तो n की वैल्यू 1 से मिल जाएगी। तो अगर मैं इसको p को समझने की कोशिश करूं कि कैसे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, जब हमने n की वैल्यू 1 रखी, तो n इक्वल टू 1 रखने पर 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 अगर 1, यानी कि ये यहां पर 10 आ गया, 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 1 बाई 2, जब आप n की जगह 2 डालोगे, इंटू 10 की पावर 1 बाई 3 इंटू 10 की पावर 1 बाई 4, और ये अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है। क्योंकि सबका बेस 10 है इसलिए पावर्स विल बी एडेड, तो 10 टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। एक बार चेक कर लो ऐसे ही हो रहा है कि नहीं, एन की जगह 1 डाला था तो 2 की पावर 0 1 बना, एन की जगह 2 डाला तो 2 बना, सॉरी ये यहां पर 2 की पावर 1 था, ये 2 की पावर 2 बनेगा, यहां पर ये 2 की पावर 3 बनेगा, ऐसे 2 की पावर में था ना ये। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू इनफिनिटी ऐसा होगा। अब आप पावर में देखो, ये एक इनफाइनाइट जीपी बन गई, तो 10 की पावर a अपॉन 1 माइनस r लगा देंगे, तो कुल मिला के आ गया 10 की पावर 2, ये p आया, तो p इक्वल टू 100 आ गया। और पूछा क्या है, log p टू द बेस 0.01, यानी कि log 100 p की वैल्यू रख दी, और 0.01 को आप 1 बाई 100 लिख सकते हो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, एग्जाम्पल 9, फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज 5/2 प्लस 9/4 प्लस 17/8 प्लस 33/16 प्लस डॉट डॉट। अब आप इस क्वेश्चन में ये देखो कि आप सीधे सीधे नहीं पहचान सकते इसको कि ये जीपी है, क्योंकि देखो इस टर्म को इससे डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे, तो ये ना तो ये जीपी है और ना ये एपी है। लेकिन अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सोचो तो ये अपनी जान पहचान की सीरीज में कन्वर्ट की जा सकती है। कैसे, हमने जो सम ऑफ एन टर्म्स है उसको एस एन मान लिया, आप देखो 5/2 लिखा है, क्या आप इसको 2 प्लस 1 बाई 2 ऐसे लिख सकते हो, जो 9/4 है इसे आप 2 प्लस 1 बाई 4 ऐसे लिख सकते हो, थर्ड टर्म में 2 प्लस 1 बाई 8 ऐसा लिख सकते हो,
प्लस इसे 2 + 1/16 ऐसा लिख सकते हो प्लस दो अप टू एन टर्म्स, एन टर्म्स तक का समय बताना है। तो देखो ये सारे जो ब्रैकेट्स हैं ये एन ब्रैकेट्स हैं, इनमें पहली पहली टर्म 2 है तो उनका सम तो 2n हो जाएगा प्लस 1/2 सेकंड टर्म ले रहे हैं 1/4 1/8 1/16 प्लस अप टू एन टर्म्स। और आप देखो इसको ये जीपी है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म 1/2 है, कॉमन रेशियो भी 1/2 है और नंबर ऑफ टर्म्स तो n है, तो फॉर्मूला लगा दे सीधे सीधा 2n, a की वैल्यू 1/2, 1 - r, r जो है वो 1/2 है की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, फॉर्मूला होता है a इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, तो 1 - 1/2, 1 - 1/2 ही होता है इसलिए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2n प्लस 1 - 1/2 की पावर n, बस यही आंसर है इसका, ऐसे है कि नहीं इंटरेस्टिंग। तो कई बार आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में एक माइनर सा चेंज करता है और बोलेगा सीरीज का सम बताओ, तो एकदम अरे यार ये तो हमारी जान पहचान की नहीं है, तो ऐसा नहीं है, सीरीज आपकी जान पहचान में कन्वर्ट हो जाएगी, बस आपको थोड़ा सा उसको ध्यान से देखना है। ओके लास्ट एग्जाम्पल इस लेक्चर में, ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, ठीक है। द सीक्वेंस बी एन इज ए जीपी विद B4/B6 इक्वल टू 1/4 एंड B2+B5 इक्वल टू 216, देन शो दैट B1 जो है वो 12 और 108/7 होगा, मतलब BN सीक्वेंस ऐसे लिखने का सिंबल होता है, मैंने आपको डे वन ही बताया था लेक्चर वन में कि सीक्वेंस को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि B1, B2, B3, BN ये एक जीपी है, उस जीपी में फोर्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म का रेशियो 1/4 है जबकि सेकेंड टर्म और फिफ्थ टर्म का सम 216 है, ठीक है। तो आपको B1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो B1 यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया जीपी का, है ना, तो उसकी वैल्यू 12 और 108/7 हो सकती है, ये आपको शो करना है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे और वो सॉल्यूशन मेरे पास भेजेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे वो लिख देना कि सर ये हमसे सोल्व नहीं हुआ, आप इसका सॉल्यूशन दे दो, तो वो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी डिस्कस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, थैंक यू।